खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, इन दोनों में कितनी भी दुश्मनी क्यों न हो जाए, लेकिन ये दोनों दिल से एक दूसरे का अच्छा ही चाहते हैं। पिछली बारी जब पटना में छठ मैया का प्रोग्राम हुआ था, उस स्टेज शो पर पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रानी चटर्जी जैसे कई बड़े दिग्गज कलाकार आए हुए थे और वो सब ने साथ में ही परफॉर्मेंस दी। आपको बता दें कि इस स्टेज शो पर तब खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के लिए छठ मैया से ये वरदान मांगा था कि उनके अंगना जल्दी से एक भौजाई उतार दीजिए, यानी खेसारी लाल यादव के लिए एक भौजाई उतार दीजिए। और अब इस साल छठ मैया से पवन सिंह के लिए खेसारी लाल यादव ने मांगा है कि उनके घर जल्दी से एक हंसता खेलता नन्हा मेहमान आ जाए। जी हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह के लिए इस बार ये मांगा है। भले ही खेसारी लाल यादव के लिए पवन सिंह चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन खेसारी लाल यादव उन लोगों में से हैं जो कि दुश्मनी को एक तरफ रखते हैं और अपने दुश्मनों की ख्वाहिश को दूसरी तरफ रखते हैं। वैसे तो पवन के हर चाहने वाले ये चाह रहे हैं कि पवन के आंगन में जल्दी से नन्हा मुन्हा मेहमान आए, और यही ख्वाहिश पवन के कुछ क्लोज लोगों की भी है। और कहीं ना कहीं पवन सिंह भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें पापा बुलाने वाला कोई आ जाए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।